29th क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 1 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजें दिमाग में रखिएगा। अगर हम सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। और दूसरी चीज, अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखे, बोथ आर सेम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है ना। तो यहाँ ये बन जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो 2 × 3 = 6, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ ये आ गया -10। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखे या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे, यहाँ से ये आ जाएगा 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये आ गया -35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इतना क्लियर? ये आ गया 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, -10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दिया हुआ है 1, -35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये आ गया 4 × 6 = 24 प्लस 11 -35, तो 35 -35 0, ये आंसर आ गया। 30th क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हो जाएगा 1, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इन ईच। फर्स्ट केस है, यहाँ पे कह रहा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 8, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इतना क्लियर? ये हमें फाइंड करना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ये आ जाएगा 3, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव 3 ये नेग्लेक्ट कर देना है। इतना क्लियर? नाउ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 प्लस 1 13, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ये आ जाएगा √13 माइनस √13, नेग्लेक्ट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। 31st क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट केस है, देखिए इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। यहाँ पे कंडीशन दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसके प्लेस पे अगर हम रिप्लेस कर दें ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसका स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ये आ गया। नाउ ये बन गया 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 4 माइनस 1 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ये 4 टाइम्स में कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आ गया √4, नेगेटिव नेगेटिव कर दीजिए तो ये आ गया 2। नाउ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी कह रहा है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4। क्लियर? सेकेंड केस है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के प्लेस पे ये रिप्लेस कर दीजिए, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो ये आ गया 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये आ गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये आ गया √8/63। इतना क्लियर? तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये आ जाएगा 8/8/63, इसको हम लिख सकते हैं 8√8/√63। इतना क्लियर? नाउ थर्ड केस है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये यहाँ पे दिया हुआ है 3,
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए के प्लेस पे रिप्लेस कर दीजिए ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये आ गया 4 - 1 = 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 3, ये 3 3 कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आ गया √1, मीन्स 1, नेगेटिव 1 नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मीन्स 2 × 1 = 2, ये आंसर आ गया। क्लियर। 32nd क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, और यहाँ पे तीन केस दिए हुए हैं और तीनों ही केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर और ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की वैल्यू दी हुई है, और निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर है, तो ये हम निकालेंगे इसके हेल्प से। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर अगर हम करें तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, और तीनों ही केस में ये यूज करके मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट केस है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर ये आ जाएगा, ये दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2, और इसके प्लेस पे 8 दिया हुआ है, तो ये आ गया 4 प्लस 25 29 माइनस 16 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर ये आ जाएगा √13, और नेगेटिव साइन ये नेग्लेक्ट कर दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये आंसर आ गया। सेकेंड केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ये 1 दिया हुआ है, तो ये आ गया 9 प्लस 16 तो 25 माइनस 2 23, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर ये आ जाएगा √23। क्लियर। थर्ड केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ये 4 दिया हुआ है, तो 4 प्लस 9 13 माइनस 8 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर ये आ जाएगा √5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, दोनों वैक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर दिया हुआ है और ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर दिया हुआ है, हम जानते हैं कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर, तो फर्स्ट केस में कॉस थीटा ये बन जाएगा, इसके प्लेस पे दिया हुआ है √6, यहाँ ये दिया हुआ है √3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दिया हुआ है 2, ये √2 टाइम्स में कैंसिल, √2 से 2 नीचे √2 आ गया, तो थीटा यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स 1/√2 मीन्स 45 डिग्री मीन्स π/4। सेकेंड केस में कॉस थीटा इसको हम लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे दिया हुआ है 1/ मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 मीन्स 1/9, तो यहाँ से थीटा आ गया कॉस इनवर्स 1/9, तो ये आंसर आ गया। क्लियर। 34th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 5i - 2j + 5k एज द सम ऑफ टू वैक्टर्स, यहाँ पे ए वैक्टर दिया हुआ है एज द सम ऑफ टू वैक्टर्स के फॉर्म में, तो ए वैक्टर इक्वल टू एक वैक्टर मान ले पी वैक्टर और दूसरा वैक्टर मान ले क्यू वैक्टर सच दैट 1 इज पैरेलल टू बी वैक्टर, तो इसमें से एक जो है मान लेते पी वैक्टर ये दिया हुआ है पैरेलल टू बी वैक्टर एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर, तो दूसरा वाला जो है क्यू वैक्टर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा बी वैक्टर के, तो ये कंडीशन हमारे पास गिवन है पी वैक्टर और क्यू वैक्टर फाइंड करना है, तो देखिए p वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं p वेक्टर को लैम्डा b वेक्टर वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, और q वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, इतना क्लियर। तो देखिए यहां से p वेक्टर इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा और b वेक्टर के प्लेस पे ये दिया हुआ है 3i + k, तो ये बन जाएगा 3λi + λk, इतना क्लियर। और यहां से क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, यहां से क्यू वेक्टर बन जाएगा ए वेक्टर के प्लेस पे ये आ जाएगा 5i - 2j + 5k माइनस पी वेक्टर, इसके प्लेस पे ये आ जाएगा 3λi
प्लस लैम्डा के, तो ये बन गया 5i माइनस 3 लैम्डा i। इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 लैम्डा i, और यहां से मिल गया -2j, और यहां से हम लिख सकते हैं इसको 5 माइनस लैम्डा k। इतना क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन क्यू वेक्टर का, और यहां कंडीशन दिया हुआ है क्यू वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो क्यू वेक्टर ये है, तो 5 माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा k डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर के प्लेस पे ये दिया हुआ है 3i प्लस k, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कह रहा है जीरो है। तो ये बन जाएगा i डॉट i1, तो 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा, और यहाँ k डॉट k 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये मिल गया 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। -9 लैम्डा -10 लैम्डा राइट साइड में गया, तो 10 लैम्डा, 15 प्लस 5 20, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 20/10 मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 2। इतना क्लियर? सो पी वैक्टर आ गया लैम्डा, इसके प्लेस पे 2, बी वैक्टर 3i प्लस k, तो ये आ गया 6i प्लस 2k, ये मिल गया हमें पी वैक्टर। और क्यू वैक्टर हम यहां से निकाल सकते हैं, तो लैम्डा के प्लेस पे 2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1i माइनस 2j, 5 माइनस 2 3k, तो ये p वेक्टर और ये q वेक्टर, ये आंसर आ गया। क्लियर? 35th क्वेश्चन है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर 2 वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ये गिवन है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 3, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये दिया हुआ है 3। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इतना क्लियर? ये पार्ट गिवन है 3, और यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसके प्लेस पे भी हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस 30, कॉस 30 मीन्स रूट 3/2। इतना क्लियर? ये 2 इस साइड ले आइए, तो 3 इंटू 2 6, और इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर रूट 3, ये रूट 3 को नीचे ले आइए, तो ये नीचे आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये आ जाएगा रूट ओवर 6/√3, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ओवर 2 इंटू 3/√3, रूट 3 से ये 3, रूट 3 टाइम्स में कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू रूट ओवर 2√3, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी की भी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर?